गाइस आ चुके हैं हम पालोलेम बीच पे और यहाँ पे सच्ची बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का। और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये देखो, ये सब शेक है, सब कॉटेजेस है, यहाँ पर स्टे कर सकते हो। और ये देखो ब्लू कलर का पानी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी फ़िलहाल गोवा में आपको ऐसा पानी नहीं दिखेगा, तो मोस्टली ये जो बीच है ना, यहाँ पर ही अभी आपको वैसा पानी दिखेगा। और ये कयांग हो रहा है और ये बटरफ्लाई बीच पे लेके जाते हैं यहाँ से, ये बोट के अंदर। मैं आपको सबके रेट्स भी बताऊंगा और थोड़ा चल के बीच पे पहले वो साइड तक जाते हैं और फिर आगे की बातें भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो जुड़े रहिए और साथ में मेरे चलते रहिए। सो यहाँ पर कयांग के लिए मतलब ये भाई मिले मुझे, ही ओन्स द कयांग बिजनेस। तो भाई क्या रेट है? कायक का रेट है सिंगल 300 है। ओके, सो डबल है 400 का है। ओके, सो अगर कोई मेरा रेफरेंस देगा तो कुछ क्या रेट होगा ये वीडियो से अगर रेफरेंस आएगा तो? सो ये रहा डबल कयांग एंड दिस इज द सिंगल कयांग। तो आप ये भाई का नंबर दे रहा हूँ मैं, कांटेक्ट में कर लीजिए अगर जो भी ये वीडियो देख के आ रहे हैं यहाँ पर कयांग करने पालोलेम बीच पे, तो भाई डेफिनेटली कुछ रेट करके देंगे। हाँ भाई, हाँ या ही विल। तो अभी मैं कयांग कर रहा हूँ और हम लोग जाएंगे, मतलब मैं सिंगल वाला कयांग करके जा रहा हूँ, तो अंदर पानी में जाऊँगा। तो कितना टाइम के लिए रहता है? 1 आवर। दिस इज़ फॉर 1 आवर। ओके, तो 1 घंटा करेंगे। देखो काफ़ी लोग कर रहे हैं यहाँ पर, 3 लोग का भी होता है क्या? हाँ, 3 लोग का भी है। ओके, वो 3-4 लोग कर रहे हैं ना उधर? दिखाओ। ओके, या दिख रहा है वो सब, राइट। सो हम अभी कयांग करेंगे। आप कौन सा बैग बोल रहे हो मुझे? ड्राई बैग। चलो लेके आते हैं। सो कौन सा वाला कयांग कर रहे हैं हम? ये वाला। तो दिस इज सिंगल वन। तो भाई अपना ये देखो, ये है पीछे कॉटेज, तो पूरा लिंक मैं दे दूंगा। ये बीच साइड पे इनका ही कॉटेज है, ये वाला ना या दिस वन। तो नदिया के भाई अभी निकाल रहे हैं पानी के अंदर। ये मैंने यहाँ पर ये बैग ले लिया है, सो दिस इज द ड्राई बैग विच आई एम हैविंग। और किधर से बैठने का? उधर आगे से? ओके, आपका जूता रख दो स्लीपर इधर। किधर? इसमें ही रख दो क्या? नहीं, ऊपर रख दो, इधर ही रख। हाँ ओके, जूता भी रख दिया, पानी का बोतल रख दो। हाँ ओके, ये पकड़ बैठा। हाँ, सो दिस इज द पेडल यहाँ पे। अब हम चलते हैं। पेडल मैंने अभी फुल स्लीव्स इसके लिए पहने कि टैनिंग ना हो जाए, क्योंकि एक बार बहुत गंदा टैनिंग हुआ था तो यार जल्दी जाता नहीं है वो। ओके, सो हम रेडी हो चुके हैं। हाँ, इधर पकड़ने का, इतना दूर नहीं पकड़ने का, इधर। हाँ, ऐसा पोजीशन होने का। ओके, आपका हैंड पोजीशन उल्टा नहीं करने का। ओके ओके, अभी राइट मारेगा ना? हाँ, तो लेफ्ट जाएगा। लेफ्ट मारेगा तो राइट जाएगा। ओके, अभी टर्निंग करने का है तो लेफ्ट हो जाएगा। ओके ओके, या तो चलो भाई ने गाइड कर दिया, तो हम चलते हैं अंदर। सो ये हम कयांग कर रहे हैं, बीच में पानी में आ गए और ये देखो वहाँ पर पूरा नज़ारा पीछे। और ये राइट साइड में अब हम जाएंगे और आप देखो कि ये कयांग बहुत बेहतरीन नज़ारा भी है और बहुत अलग एक्सपीरियंस भी है कयांग करना पानी के बीच में अकेले। चलो भाई चलते, लहरें भी आ रही है, घूम जाते हैं, चलते आगे। वैसे दिस इज़ वेरी सेफ, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, सब आप पे है, आप जितना डरोगे उतना चीज़ डराएगी आपको। तो चलो आगे निकलते हैं। तो ये आइलैंड है, आइलैंड की ओर बढ़ते हैं। These days I don't worry about much. I think we
should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts. Yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. देखो ये लाइव गार्ड भी कंटिन्यू आते हैं यहाँ पर चेक करने के लिए कि सब बराबर है। सो ये देखो बिल्कुल यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच, टॉर्टोइस स्टोन है, टॉर्टोइस बीच भी कहते हैं उसको। वहाँ पर पीछे की ओर है पूरा पालोलम बीच, यहाँ पर देखो सब कयांग करते हुए। और यहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी शांत है, इसकी वजह से यहाँ पर कयांक अच्छे से कर सकते हैं। सच्ची बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है पानी के बीच में। और देखो काफ़ी लोग कयांक कर रहे हैं एंड ये पहली बार मैंने कयांक किया है। सो देखो यार, और वहाँ पर मेरे पीछे है एक शार्क स्टोन, तो वहाँ पर भी हम जाएंगे शार्क स्टोन पे। और यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया यार, डेफिनेटली। किनारे पर आके लहरें बड़ी बड़ी आती है, तो हमारा कयांक था वो गिर गया, वो आगे पहुंच गया किनारे पे, लेकिन ये चप्पू लेने आया था मैं। ये देखो बड़ी बड़ी लहरें, ये तो फिलहाल छोटी थी लेकिन किनारे पे आते ही हम गिर गए पानी में, तो लाइफ जैकेट है, मज़ा आ गया। तो जब एकदम एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द बीच में जाएंगे तो यहाँ पर है ये बैक वाटर्स। सो ये हम वहाँ पर, ये रहा शार्क हेड, वहाँ पर जा रहे पहुँच गए एट द अदर साइड ऑफ बीच। लोग को पता है, और जिसको पता नहीं है उसके लिए जो है आपको बैक वाटर्स का सिर्फ थोड़ा क्रॉस करके ये साइड पे आना पड़ेगा एट दी राइट। तो दिस इज द शार्क स्टोन देखो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो ये भाई ने हमारा वीडियो निकाला है और फोटोज भी लिया है। आप यहाँ गई हो? हम मध्य प्रदेश एमपी। सही चलो भाई, थैंक यू। सो भाई ये तो था एक बहुत ही बेहतरीन सा एक्सपीरियंस पालोलम बीच का। डेफिनेटली आप जब भी गोवा आओ तो नॉर्थ गोवा से तो काफ़ी दूर होगा, जब आप जो है बागा बीच या वगैरह वहाँ से तो 7, 8, 9, 10 शायद 100 किलोमीटर्स है बागा बीच से ये, लेकिन आप पक्का आओ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल बीच है गोवा का। मज़ा आ जाएगा, सच में आपको मज़ा आ जाएगा। वन नाइट आप जब स्टे लो तो साउथ गोवा में अबोडा या फिर पालोलम में लो, तो आपको ये दिन मिल जाएगा साउथ गोवा घूमने के लिए अच्छे से। तभी हम रिटर्न हो रहे हैं वापस सामने की ओर। यहाँ पर इतना पानी क्रॉस करके जाना पड़ता है सामने की ओर। ये जो है बैक वाटर्स है, तो ये है बिल्कुल पानी के बीच में मैं, और काफी लोग यहाँ पर कयांग करते हैं। पीछे से शायद सनलाइट आ रहा रहेगा, और एक बहुत अच्छी जगह है ये चिल करने को, सेफ ही है भाई, लाइफ जैकेट पहना है, इट्स बिल्कुल सेफ। और बार मैंने आपको वीडियो में दिखाई कैसे लाइफ गार्ड आता है, तो ही डायरेक्टली कम्स ऑन दी स्पीड बोट, और कुछ लोग ऐसे स्नॉकलिंग कर रहे थे यहाँ पर ही, पानी में उतर गए बस तैर रहे थे। ड्यू टू दिस लाइफ जैकेट कुछ नहीं होता, सो डरने की ज़रूरत नहीं है,